जय श्री कृष्ण आप सभी को जय माता दी जैसे कि नवरात्रों का पर्व चल रहा है आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं तो माँ दुर्गा की जब भी पूजा आराधना की जाए या किसी भी देवी की पूजा आराधना की जाए तो लौंग का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है देखिए किसी भी पूजा पाठ के लिए लौंग बहुत ज्यादा अति आवश्यक होती है या कोई तंत्र मंत्र हो या किसी भी तरीके की पूजा पाठ हो उसमें लौंग का प्रयोग किया जाता है तो आज मैं आप साथ कुछ लौंग के ऐसे ही उपाय शेयर करने जा रही हो जिसे अगर आप करते हैं इस नवरात्रों में पूरे नौ दिन में कभी भी किसी भी किसी दिन तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होने लगती हैं मगर आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ जो भी वीडियो पर पहली बार आते हैं प्लीज लाइक कर दिया करें सब्सक्राइब कर दिया करें और सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंची देखिए सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता बिल्कुल फ्री है और हाँ जब आपके पास मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जाएगी तो आपको नई जानकारी प्राप्त होगी कि किस तरह से आपने पूजा आराधना करनी है या क्या कोई उपाय किस प्रकार से करना है जिससे कि आपके जीवन के समस्त परेशानी दूर हो कुंडली गृह आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या तो फिर हस्तेखा के लिए जो नंबर दिया जा रहा है इसी पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं तो चलिए जो मैं आज खास उपाय लेके आई हूँ लौंग का उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक पूजा पाठ में हर एक आराधना में लौंग का उपाय बहुत ज़्यादा किया जाता है तो सबसे पहले जैसे कि नवरात्रि का व्रत शुरू हो चुका है तो माँ दुर्गा को रोज़ प्रतिदिन देखिए प्रतिदिन पूरे नौ दिन आपने एक लौंग का जोड़ा मतलब कि दो लौंग लेनी है फूल वाली होनी चाहिए टूटी फूटी ना हो ये लौंग का जोड़ा ले लें और आपको साथ में गुलाब की पंखुड़ियाँ लेनी है वो गिन के आप साथ ले लें और ये का जोड़ा माँ दुर्गा को प्रतिदिन नियमित रूप से इसे अर्पण करें बाद में आप इसे उठाकर संध्या के समय कपूर के साथ जला दें और उससे माँ की आरती करें इस तरह से अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो धन को लेकर समस्या है वो दूर होती है आपके घर में बरकत बनी रहती है जैसे नवरात्रों का पावन अवसर है या उसके बाद भी हमेशा अपने घर में सुबह शाम जरूर से ज़रूर कपूर जलाएं और कपूर में लौंग जरूर डालें और लौंग डाल के फिर ही आप माँ दुर्गा की आरती करें इससे आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं विवाह संबंधी अड़चने बाधाएं रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं किसी के भी विवाह में उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो अपनी उम्र के हिसाब से आप लौन्ग ले लें फूल वाली होनी चाहिए टूटी फूटी ना हो अपनी उम्र के हिसाब से लौंग लें और लाल धागा कलावा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग नाप लें पैर के अंगूठी से लेके सर तक इसे नाप लें और फिर इस धागे के अंदर आपने उस लौंग से माला बना लेनी है लौंग को पिरो के माला बना लीजिए और इस माला को ले जाके किसी भी दुर्गा मंदिर चले जाइए और माँ दुर्गा को अर्पण कर दीजिए साथ में सुहाग की सामग्री जरूर अर्पण कर दें ये छोटा सा उपाय करें जो भी आपकी विवाह संबंधी अड़चने वो सारी दूर होगी कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो क्या करेंगे आप 108 लौंग की माला बना लें और उस शत्रु का नाम लें 11 बार और ये लौंग की माला माँ दुर्गा को अर्पण करें शत्रु जो भय है आपके जीवन में वो सारा दूर होगा माँ काली आपके उस शत्रु को आपकी ज़िंदगी से दूर करेंगी वो जो भी रुकावटें आपके जीवन में डाल रहे हैं वो सारी दूर हो जाएंगी किसी को नज़र हाय दोष बहुत ज़्यादा लगी है। इस नवरात्रों में उसके सर से नौ लौंग ले लें फूल वाली उसे सात बारी उल्टा घुमा लें और फिर इसे कपूर की सहायता से जला दें और इसको जलाने के बाद अपने घर के बाहर रख दें इसकी राख को फिर आप किसी भी पौधे में छोड़ दें इस तरह से करें आप इस नौ दिन में कभी भी कर सकते हैं उसकी जो भी नज़रहाय दोष है वो सारी दूर हो जाएगी धन आगमन चाहते हैं धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाए तो आप क्या करें किसी भी दिन आप एक लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा ले लें उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा दो लौंग मतलब कि आपको फूल वाली चाहिए वो रख दीजिए पाँच हरी इलायची और पाँच सुपारी इसे रख कर आप इसकी पोटली बना लें और माँ दुर्गा को अर्पण कर दें और वहीं बैठ के आपको माँ दुर्गा का जो भी मंत्र आता है उस मंत्र को आप जाप कर लें एक माला और इसे माँ के दुर्गा के चरणों में रखा रहें दें अगले दिन उठा लें इस पोटली को और अपने धन रखने के स्थान पे तिजोरी में गले में कहीं पे भी आप रख दें धन की समस्या जो भी है वो सारी धीरे धीरे दूर होने लगी अब एक ख़ास उपाय <coughs> लौंग से ही जुड़ा हुआ है जो आपने खास विशेष रूप से करना है जैसे कि अगर आपके घर में अखंड जोत नहीं आप जला पा रहे हैं किसी कारणवश तो कोई बात नहीं सुबह शाम आप एक घी का दीपक जरूर जलाएं मगर जब वो दीपक जलाएं तो उसमें चार लौंग अवश्य डाल दें इस तरह से जलाने से वो दीपक आपके अखंड जोत के बराबर ही हो जाते हैं तो माँ की आप इस तरह से आराधना अवश्य करें तो लौंग की जो छोटे छोटे इससे खास मैं उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ इसे अगर आप इस नवरात्रों में करते हैं तो आपके जीवन की धीरे धीरे समस्याएं सारी दूर होने लगती हैं और नवरात्रों में आप एक खास अगर कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं कर्ज बहुत ज़्यादा हो रखा है धन आगमन के सारे रास्ते रुक चुके हैं तो आप क्या करें एक बूंदी का लड्डू ले लें बूंदी के लड्डू पे आपने चार लौंग गाड़ दीजिए और हनुमान मंदिर चले जाइए और वहाँ पे बजरंग बलि को ये अर्पण कर दें किसी भी दिन कर सकते हैं नवरात्रों के मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं या आप किसी भी दिन इस तरह से इस उपाय को करें और जब आप ये उपाय शुरू कर रहे हैं तो कम से कम अगर मंगलवार से शुरू किया है तो कम से कम सात मंगलवार अवश्य कीजिए छोटा सा उपाय है करके देखिए धीरे धीरे धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे जो भी समस्या चल रही है पैसों को लेकर वो सारी दूर होने लगेगी तो आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना जय श्री कृष्ण और जय माता दी जरूर लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि सभी ये छोटे छोटे से उपाय करके अपने जीवन की समस्त परेशानियों को अवश्य दूर कर सके जय श्री कृष्ण आप सभी को जय माता दी